दिल्ली में सीलिंग के सितम के बीच आम व्यापारी पिस रहा है। आम आदमी पार्टी के असंतुष्ट विधायक पंकज पुष्कर इस मामले में दिल्ली सरकार की पॉलिसी का समर्थन कर रहे हैं और केंद्र सरकार पर बरस रहे हैं। देखिए दिल्ली के जीटीबी नगर से अभिनव उपाध्याय की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पर सीलिंग को लेकर राजनीति करने का आरोप लग रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके जीटीबी नगर इलाके में मौजूद हैं और मेरे साथ पंकज पुष्कर मौजूद हैं। विधानसभा में आपने कई बार मुखर होकर के सरकार के खिलाफ भी अपनी आवाज को बुलंद किया है। आज आप केजरीवाल को आपने यहाँ पे बुलाया भी और आज आप साथ में हो, क्या हो गया कि अब एकता हो गई? आप पूरी एकता है, जनता के मुद्दों पर एकता है, जनता की रोजी रोटी के अधिकार को बचाने के लिए एकता है। अरविंद केजरीवाल जी एकमात्र वो व्यक्ति हैं जिन्होंने खुल के इस मुद्दे पर, हम आम आदमी की सरकार हैं तो इसलिए हर किसी का अधिकार बनता है। आखिर दिल्ली की जनता कहाँ जाएगी? दिल्ली के बिजनेस बर्बाद करके दिल्ली को आबाद नहीं किया जा सकता। इस मामले में ये पार्टी का मामला नहीं है, पूरी दिल्ली की जनता का मामला है। इसलिए सब लोग साथ हैं, व्यापारी जिंदा रहेगा तो दिल्ली आबाद रहेगी। बीजेपी ने एक बात कही है, आपने ऑर्डिनेंस लाने की बात कही। बीजेपी ने कहा है कि आप विधानसभा का सत्र क्यों नहीं बुलवा लेते, पहले विधानसभा से कानून पास करवा दीजिए ना आप लोग। देखिए ये बहुत ही घटिया किस्म का आरोप प्रत्यारोप है। ये सीधी तरह से कन्वर्जन चार्ज माफ करने की कैपेसिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। बिल्कुल पाक साफ आए अरविंद केजरीवाल जी के पास कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा क्यों नहीं मीडिया के सामने बात कर लें, खुले फोरम का बात हो जहां हमें कोई कदम उठाने की जरूरत है, दिल्ली सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। हम किसी भी पार्टी की सीमा को पार करके व्यापारी की जिंदगी और रोजी रोटी को बचाने के लिए किसी सीमा तक जाने के तैयार हैं, किसी से मिलने के लिए तैयार हैं। लेकिन लोगों की रोजी रोटी दांव पे लगी हो, उस पर राजनीति खेलना, ये बहुत शर्म की बात है। और ये सीलिंग जब एफडीआई को आप परमिशन देते हैं उसके साथ क्यों होता है? तो हमारा नारा है कि सीलिंग नहीं, ये किलिंग है, ये एफडीआई की डीलिंग है। आपको विदेशी कंपनियों के हाथ में व्यापार सौंपना है, इन व्यापारियों की रोजी रोटी खत्म करनी है, लोगों के रिटेल व्यापार को बर्बाद करना है। एफडीआई को लाने के लिए, विदेशी व्यापार को लाने के लिए 7% आपने अपने दे दिया, इसलिए सीलिंग की जा रही है, उनके लिए सारे कानून बदले जा रहे हैं। सुना आपने पंकज पुष्कर के आरोप खुले आपने, लेकिन बात हम यहाँ पर खत्म नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक व्यापारी मेरे साथ खड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि इनकी सुनने वाला कोई नहीं। हमारी कोई न्यूज वर्ल्ड इंडिया यहाँ पर खड़ा हुआ है, आपकी बात सुनने के लिए खड़े हुए हैं, बताइए। मेरी एक पर्टिकुलर मेरे शॉप की एसोसिएशन की नहीं है, पूरी दिल्ली की है और दिल्ली के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है कि क्या करके 10 साल तक आप एकदम सोए हुए थे, आज 10 साल बाद आप इमीडिएट उठते हैं और अगले दिन से सीलिंग चालू कर देते हैं। आज के टाइम में हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, एटलीस्ट हमें कुछ दिन पहले इनको इन्फॉर्म तो करना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं। ये पैसे भी इन्होंने ले रखे हैं, कन्वर्सन चार्ज ले रखे हैं, 10-10 साल के पैसे ले रखे हैं लोगों को, उसके बाद उनकी दुकानें सील क्यों हो रही हैं? कनेक्टिविटी को सीलिंग की जाएगी तो कैसे काम चलेगा, आप बताओ कैसे काम चलेगा? कन्वर्सन चार्ज, ये तमाम शिकायतें यहाँ पर हैं। जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि कन्वर्जन चार्जेस जो लिया जाता है पर सड़कों पर उतरे हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद इनकी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचे और कोई ना कोई हल निकल पाए इनकी दिक्कतों का। कैमरामैन निर्देशर कुमार सिंह के साथ अभिनव उपाध्याय, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।